हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं खुदा परमेश्वर, वो आपकी आराधना करने को खुदा परमेश्वर, प्रभु जी हम अपने शरीर आत्मा प्राण रखता तेरे बेटे पर बलिदान जैसे परमेश्वर, वो विधि तेरा वचन कहता है वो आप अल्प बलि और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन आप हमारे समर्पण ही से खुश होने वाले परमेश्वर है। ओ प्रभु यीशु मसीह हम जितना धन्यवाद करें वो कम है, प्रभु जी आप तो निरंतर मेरे परमेश्वर हमारी और ताकते रहते हैं यीशु, ओ प्रभु आपकी महिमा हो यीशु, हालेलुया, ओ हम धन्यवाद करते हैं, ओ धन्यवाद 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 यीशु, आपकी प्रशंसा हो, आप महिमा के योग्य परमेश्वर का पिता, और आपके जैसा कोई भी नहीं है पिता, वो आपका वचन कहता है वो यहोवा एल शदाई है, वो यहोवा ही है, वो सच में पिता खुदावन परमेश्वर, ओ प्रभु आपके वचन में लिखा है जो यहोवा तुम्हारी और है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है, सच में पिता हम ये घोषणा करते हैं आप हमारी और है मेरे परमेश्वर, तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता, ओ यहोवा परमेश्वर आप तो हर समय हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा करके रखते हैं यीशु, वो आपका हम लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में स्थापना अपने लहू से मुझे धो दे यीशु, पूरी तौर से
से मुझे तो दे तू यीशु, Yeshua, Calvary.
जो
मुझे बल तुम्हारा
कर लो आ
होगा। ओ यहोवा खुदावन परमेश्वर, हम तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। ओ प्रभु जी, जब हम तेरे लिए यहाँ मेरे परमेश्वर आए और हमने ये आराधना करी खुदावन यीशु, ओ ये आपको ग्रहण योग्य हो खुदावन यीशु मसीह। ओ हम विश्वास करते हैं हर एक एक मेरे परमेश्वर, ओ प्रार्थना को आपने सुना है यीशु। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने यशायाह में कहा जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर के तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों में से तू जीत जाएगा। ओ यहोवा परमेश्वर, हम ये घोषणा करते हैं, ओ यहोवा जिसकी और तू है मेरे परमेश्वर, उसका विरोधी कौन है? ओ वो जीत का मसा यहोवा परमेश्वर हमारी और है, जो दाऊद के ऊपर था खुदावन यीशु मसीह। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हर एक बात में आपको महिमा देते हैं पिता। ओ यीशु हम आपको महिमा देते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी, खुदावन यीशु आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप हर एक बात में हमारी सहायता करें यीशु मसीह। ओ प्रभु जी, और इस प्रार्थना को आपके बड़े और पवित्र सामर्थ्य नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन। धन्यवाद को आज के दिन के लिए। आइए परमेश्वर के लोगों, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु के सामने अपने सर को झुकाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, हे राजा हे पवित्र परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपका जीवित और पवित्र हाथ आपके लोगों पर, जितने लोग आज इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं इन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा यीशु मसीह में मांगता हूँ। और जब आज ये वचन इन लोगों के पास पहुंचता है, होने दे प्रभु जी ये वचन हृदयों को भेद दे, होने दे पवित्र आत्मा इनके हृदय छिद जाए और मांस मांस और बूदा बूदा अलग हो। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरा अभिषेक इन लोगों के ऊपर आए, आत्मा से भर दे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, तेरी महिमा तेरी आराधना करते हैं। हम सब इस समय अपने स्थानों में प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के सामने दीन और नम्र करें और हम प्रभु के राज्य को, उसकी बातों को अपने जीवनों पर घोषित करें और हम उसके अधिकार को अपने ऊपर लें और धन्यवाद करें, क्योंकि वो जीवित और पवित्र और उत्तम परमेश्वर है, न्यायी है। हम धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया 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 रबा शंडर अलाबा रोखोनो मेरिया अलाबा सेखेरिया अलाबा शेंदेरे बेरे तोखोरिया अलाबा संदर अलाबा रेबना शेखेरिया अंदर अलाबा 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 शेरिया अंदर अलाबा। धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। ओ रबा शेरिया अंदर अलाबा, स्वागत पवित्र आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया, हम आपको स्वागत करते हैं, अब आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रभु, तेरे लोगों को एक एक व्यक्ति को प्रभु तेरा वचन छुए और आशीषित करे प्रभु। हम धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और मैं प्रभु का दास पास्टर शशिकांत आप सब लोगों के बीच में आज प्रभु के वचन को लेकर आया हूँ, और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं आप सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हमारे देश के अंदर संविधान को परमेश्वर ने अपने बेटे अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान को दिया और आज पूरा देश उस संविधान पर चल रहा है, नियम और कानून पर चल रहा है, जिसके कारण से हम सब इकट्ठे भी हो पा रहे हैं और इस पूरे भारत के अंदर में कानून व्यवस्था और भी तमाम बातें जो संविधान के अंदर लिखी है, अधिकार लिखे हैं, मूल कर्तव्य लिखे हैं,
उन सबको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम सबों के लिए दिया, और हम आज उन्हें याद करते हैं जो कुछ भी उन्होंने हम सबों के लिए किया। हम परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। और मेरा टॉपिक बहुत सी उन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कानून, लॉ, संविधान दिया गया। और हम बाइबल में पढ़ेंगे इस समय निर्गमन उसका 21 अध्याय और उसका एक पद। निर्गमन उसका 21 अध्याय और उसका एक पद। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं यह है, जब तुम इब्री दास मोन लो तब वे 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेठ में चला जाए। आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 14 पद यदि पढ़ें तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जिन वचनों की आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए ईश्वर के पीछे ना होने, ना उनकी सेवा कर। जब हम व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने सारे इसराइल को बुलाकर कहा, हे इसराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मैं सुनो, इसीलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। और हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी, इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच से तुम लोगों से आमने सामने बातें की, उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसीलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच में उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व और घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया मैं हूँ। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमने अभी कई जगह पर पढ़ा नियम, आज्ञा, व्यवस्था, और बाइबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, लेवीय व्यवस्था, निर्गमन, और परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया कि वो कैसे नियमों को, कैसे वो कायदे और कानूनों में अपने जीवन को बिताएं। और परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए बाइबल के अंदर विधि को दिया, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को लॉ दिया कि वो अपने जीवन को लॉ के अनुसार, कानून के तहत अपने जीवन को वो परमेश्वर के साथ चला सके। उसी प्रकार इस दुनिया के अंदर भी आज कानून को देखते हैं, बहुत सारे नियमों को देखते हैं जो कि हम सबों के लिए सुव्यवस्थित चीज़ों को बनाए रखने के लिए संविधान के अंदर और कानून के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपने वचन में लोगों को सिखाया और बताया, और आज भी परमेश्वर हर एक व्यक्ति से और मनुष्य से ये अपेक्षा करता है, ये इच्छा रखता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में उसके नियम और कानूनों को माने। बाइबल में लिखा, जब जो नियम, जो कानून मैंने तुझे दिए हैं उनसे ना तो दाएं मुड़ना और ना तो बाएं मुड़ना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को डिसिप्लिन में, हम अपने जीवन को अनुशासन में बिताएं। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम अपने जीवन से कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे परमेश्वर का कानून और इस दुनिया का कानून टूट जाए। इसीलिए ज़रूरी है परमेश्वर के लोगों, जो कानून परमेश्वर ने, जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, उन आज्ञाओं को करने में, उन विधियों को मानने में, उन व्यवस्थाओं को, उन चीज़ों को मानने में हम चौकसी करें। बहुत ज़रूरी है आज हम अपने जीवन को, अपने हर एक उस हिस्से को सही करें जहां विधियों और कानून को तोड़ रहे हैं। यीशु मसीह ने भी बहुत सी बातें कहा, और यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर व्यवस्था का नाम लेकर, और यीशु ने कहा तुम सुन चुके हो कि तुम चोरी ना करना, तुम हत्या ना करना, और यीशु मसीह ने कहा कि तुमने पुराने नियम में सुना है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख,
पर मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्यार करो। यीशु मसीह ने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत कठिन थी उसके अंदर करेक्शन करा और उन चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करा जो परमेश्वर की ओर से थी, और यीशु मसीह ने उस बात को आसान कर दिया। बाइबल पुराने नियम में कहती थी दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, लेकिन यीशु ने कहा तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आज भी परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने शत्रुओं से प्रेम करें, उनके खिलाफत ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी, हमारा परमेश्वर बाइबल में लिखा में दासत्व से छुड़ा लाया है। जिस प्रकार हमारा देश भी एक समय गुलामी में था, लेकिन बहुत से देश के बड़े बड़े ऐसे देशभक्त लोग जिन्होंने अपने खून को इस देश के लिए बहा दिया, जिन्होंने अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया और हमें आज़ादी मिली, उसी तरीके से बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने भी अपना खून देकर मुझे और आपको दासत्व से उस गुलामी से छुड़ाया जो पाप की गुलामी थी, जो पाप की प्रभुता थी। परमेश्वर के लोगों, आज यदि मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखकर चला रहे हैं, आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ सही करें। यदि हम अपने जीवन में कोई भी विधि, कोई भी परमेश्वर का कानून, कोई भी व्यवस्था हम अपने जीवन में तोड़ रहे हैं, हम अपने जीवन को सही करें और अपने जीवन को परमेश्वर के नियम और कानून के अनुसार चलाएँ। बाइबल का परमेश्वर हमें किसी भी बात में बांधता नहीं है, गुलाम नहीं करता है, उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। हम उसी स्वतंत्र इच्छा को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरी करें। जब आप और मैं बाइबल में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो तो यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना, उसी के नाम की शपथ खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में वो जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो तेरा परमेश्वर यहोवा कोप तुझ पर भड़के और वो तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। जरूरी है परमेश्वर के लोगों, जो बात परमेश्वर ने कही है, जो बात परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवाई है, उसके लिए हम सावधान हो जाएं। अपने जीवन के हर एक हिस्सों में मैं और आप परमेश्वर के सन्मुख ईमानदारी से बाइबल में लिखा डरते हुए कह रहा है कि भय के साथ में। आज जब हम दुनिया में चलते हैं हम डर के साथ में कि कहीं हमसे कोई कानून ना टूट जाए, कोई बात हमसे गलत ना हो जाए, हम उन बातों को फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के कानूनों को भी अपने जीवन में डरते हुए और कांपते हुए हम उन्हें पूरा करें। बाइबल के अंदर लिखा है तुम अपने अधिकारियों के अधीन रहो, तुम अपने बड़े लोगों के अधीन रहो। आज मैं कलीसिया के लोगों से, जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मुझे और आपको न सिर्फ अपने बड़े जो परिवार के लोग हैं उनके अधीन रहना है, पर अपने अधिकारियों के अधीन, अपने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के अधीन रहना है, ताकि हम अपने जीवन को भी आशीषित कर सकें और हम अपने देश को भी आशीषित कर सकें। हर एक व्यक्ति की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपने जीवन को सही करके अपने देश की उन्नति के लिए काम करें और अपने देश के लिए प्रार्थना करें। आज भी हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि जो काम परमेश्वर हमारे देश के अंदर, हमारे लोगों के अंदर और संविधान के अंदर जितने मूल कर्तव्य, जितने अधिकार अम्बेडकर जी ने दिए हैं, उनके लेकर भी हम प्रार्थना करेंगे कि हर एक व्यक्ति इसके द्वारा आशीषित हो सके। तो जरूरी है परमेश्वर के लोगों, हम अपने जीवन में परमेश्वर के कानून के तहत, उसके नियम के तहत चलें, जिससे हमें हटना नहीं है। बाइबल साफ तौर से हमें बताती है
और जब हम बाइबल में पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 7:12 में लिखा है, तुम जो इन नियमों को भूलकर सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी, और वो तुझसे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा, गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर तुझे देने को कहा उसमें वह तेरी संतान, अन्न, नए दाख मधु, डट के तेल आदि भूमि की उपज आशीष दिया करेगा, तेरी गाय बैल भेड़ बकरिया की बढ़ती करेगा, तू देश के लोगों से अधिक धन्य होगा। हालेलुया। लिखा तू देश के उन लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना तो पुरुष न स्त्री निर्वस होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसी कोई ना होगी, और यहोवा तुझसे सब प्रकार का रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझ पर लगने ना देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेगी, और देश देश के लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि न करना। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में अपने लोगों के लिए लिखवाया है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को उसके नियमों को मानेंगे तो इतनी आशीषें हम पर आएंगी, और एक बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। आज मैं अपने जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कलीसिया के लोग सुन रहे हैं, बाहर के लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप हर एक व्यक्ति से देश देश के लोगों से अधिक धन्य होंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए घोषणा करना चाहता हूँ कि आप हर एक देश से भी, हर एक व्यक्ति से भी आप अधिक धन्य होंगे। हालेलुया। आपकी आशीषों का कोई जोड़ नहीं होगा, आपको आपके जीवन में रोकने वाली कोई भी शक्ति यदि आपके जीवन में काम करती है, आज मैं यीशु के नाम में उसे कैंसिल करता हूँ और आपके जीवन को उन्नति और आशीष और बढ़ोतरी और सफलता के लिए मैं यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्र करता हूँ कि आपके जीवन में वो परमेश्वर की ओर से दी जाए। हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर की उन बातों को फॉलो करें जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवाई है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 138 अध्याय, वहाँ पर लिखा परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। ज़रूरी है कि जो लिखा हुआ परमेश्वर ने हमें दिया हम उसे माने, हम उसे फॉलो करें। यदि हम अपने आशीषों को चाहते हैं, यदि हम उन्नति को चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में उन तमाम बातों को चाहते हैं तो विधियों को ना तोड़ें। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हैं और आपको पनिश किया जाता है, वैसे ही जब आप परमेश्वर के नियमों को और कानूनों को तोड़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा, नाग उसे डसेगा। हम अपने जीवन में यदि किसी भी लॉ कानून को तोड़ रहे हैं जो प्रभु ने दिया है, आप परमेश्वर के वचन में लिखा है आपने बाड़े को तोड़ा, और यही ज़रूरी है कि हम उसके नियम और उसके वचन को ना तोड़े, हम उसमें बढ़ते चले जाएं ताकि हम धन्य हों, आशीषित हो और हमसे जुड़ी हुई सब बातें आशीषित हो सके। इसीलिए हर एक नियम, हर एक विधि, हर एक कानून, हर एक आज्ञा जो प्रभु ने अपने वचन में दी है, व्यवस्था जो कुछ भी प्रभु ने दिया उसे हमें मानना है, उसे मानने में चौकसी करनी। चौकसी करने का मतलब बाइबल में लिखा है कि तू उसके लिए जागृत रहना। तू बाइबल में लिखा मेरे वचन को तू अपने माथे की बिंदिया बना ले और तू इससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। इसलिए ज़रूरी है जो वचन प्रभु ने दिया हम उसे फॉलो करें। बाइबल में लिखा पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार लिखा गया। एक एक बात बाइबल के अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से लिखवाई। इसका एक भी बिंदु बाइबल में लिखा है जब तक पूरा ना होगा वो टलेगा नहीं। इसीलिए जो कुछ भी प्रभु ने अपने वचन में लिखवाया है हम इसे पूरा करने में चौकसी करें। हम अपने जीवन में लगातार प्रभु के वचन को लें और हम आशीषों से भरपूर हो जाएं। आइए परमेश्वर के लोगों, मैं और आप अपने जीवन को प्रभु के वचन को पूरा करने में,
परमेश्वर के वचन के अंदर में हम उन बातों को लेकर लोगों को सिखाने में, लोगों को बताने में और तमाम वो बातें जो बाइबल के अंदर लिखी है उन्हें पूरा करने में हम अपने जीवन को लगा दें। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह हम ऑनलाइन मीटिंग नहीं कर पाए और लेकिन लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे और हफ्ते के बीच में भी हम लाइव आकर या वीडियो डालकर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हमें और इस्तेमाल करें और प्रभु का काम और जोर शोर से हो सके। और कुछ दिन अभी ऑनलाइन मीटिंग ही चलेगी और आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं घर आके आपको विजिट करूंगा, आपसे बात करूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और यदि कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो तो आप मुझे कॉल करें, मुझे इन्फॉर्म करें और अगर ज़रूरी होगा तो मैं आपके यहाँ आकर आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और जितनी भी बातें हैं आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आइए हम अपने देश के लिए, हम अपने संविधान के लिए प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे आने वाले चुनाव के लिए, हम प्रार्थना करेंगे हर देश की स्थिति के लिए और कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो प्रभु में और बढ़ें और उन्नति करें और आशीषित हो। और जितने बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। शंडराबा कोराराबा सेखेरियारालाबा सेरियंडरालाबा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, आपने हमें महान परमेश्वर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान को दिया और आज हम प्रार्थना करते हैं इस संविधान की रक्षा के लिए, प्रार्थना करते हैं इस संविधान की सुरक्षा के लिए, प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर। मैं पूरी कलीसिया के साथ में सहमत होकर प्रार्थना करता हूँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन को परमेश्वर बदल ना सके, कोई भी परमेश्वर इसे छू न सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका हाथ परमेश्वर हमारे संविधान के ऊपर आए और हमारा देश उन्नति करे, हमारा देश ऊपर उठे और कोई भी परमेश्वर ओ हमारे देश के अंदर में यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर वो चीज़ें वो बातें जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है वो ना हो प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी आशीष आए, आपकी बरकत आए, आपकी उन्नति हमारे देश के अंदर आए, हमारे अधिकारियों को, हमारे मंत्रियों को, हमारे परमेश्वर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ब्लेस करें आने वाले लोकसभा चुनाव में। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आशीष आशीष आए सारे लड़ाई झगड़ों से, हर एक प्रकार की परमेश्वर महान परमेश्वर चुनाव के अंदर गड़बड़ी से परमेश्वर आप हर एक परमेश्वर वोटिंग बूथ को परमेश्वर बचाएं। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में हमारे देश के अंदर चुनाव बहुत अच्छा और बेहतर तरीके से हो सके। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने कैंडिडेट खड़े हैं हर एक ईमानदारी से परमेश्वर चुनाव को लड़ सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तेरा नाम परमेश्वर इस दुनिया के अंदर तेरी सामर्थ्य दुनिया को देखे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं यदि ये बीमार हैं, अर्थराइटिस में है, गठिया बाई में है, परमेश्वर होने दे हर एक किडनी प्रॉब्लम, हर एक प्रकार के गांठे, हर एक प्रकार की रसौलियाँ, हर एक पथरियाँ इनके शरीर से लकवा, गूंगापन, बहरापन, हर एक प्रकार की आंखों की बीमारियाँ, गले की बीमारी, कैंसर, डायबिटीज यीशु के नाम में जल जाए। और रवा ले बेरे शंखर अलावा सारिया अलावा सारे रोग जल जाए यीशु के नाम में। ओ लंगड़े खड़े हो जाएं, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, प्रभु जी तेरी सामर्थ्य इनकी हड्डियों के अंदर आए, हड्डियों की बीमारी, ब्लड की बीमारियां यीशु के नाम में, यूट्रस की बीमारियां, बांझपन की बीमारियां यीशु के नाम में तेरे लोगों को छोड़ दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरी आग इन्हें स्पर्श करे, तू इन्हें उठा दे प्रभु जी, अपने शरीरों को चेक करे और उठ जाए यीशु के नाम में, उठ जाएं। हो रबा बाबा शिखे विरियर अलावा संदर अलावा अभिषेक 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 तेरे लोगों को खड़ा कर दे, घुटनों को चंगा कर दे, हड्डियों को जोड़ दे, नसों को चंगा कर दे, सब प्रकार की रीढ़ की हड्डियां जो टूटी हुई है जुड़ जा रहा सारी अंदर अलावा यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरा अभिषेक बीमारों को छुए, छू ले पवित्र आत्मा शबा रखे बेरी अंदर अलावा। मैं तेरे नाम में आप प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने कलीसिया
सुन रहे हैं परमेश्वर, होने दे ये परमेश्वर रिवाइवल में, जागृति में इनका जीवन आ जाए। हर एक आत्मिक लेजीपन, हर एक आलस, हर एक प्रकार का डर तेरे लोगों के अंदर से निकल जाए। तेरे लोग हियाव रखे, तेरे लोग निडर हो जाए, तेरे लोग बेखटके तेरे राज्य में प्रवेश करें। मैं प्रार्थना करता हूँ बढ़ चढ़ कर तेरा सुसमाचार प्रचार किया जाए, तेरा भवन कंस्ट्रक्शन पूरा हो प्रभु जी, और वहाँ परमेश्वर सारी चर्च की परमिशन हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर दया करे, हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को हम देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो, आज के दिन में प्रभु ने हमारी सहायता करी है, और यदि आप अपनी भेंट, अपने ऑफरिंग, अपने दशमांश को भेजना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके या इस अकाउंट नंबर के ऊपर आप इसमें भेज सकते हैं। और यदि कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम सब जानकारी आपको देंगे। और इस QR कोड के ऊपर आप अपने टाइट, अपने दशमांश को आप भेज सकते हैं। और यदि सुसमाचार की कोई सेवा में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं और प्रभु आपको ब्लेस करे। और यदि कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस समय प्रार्थना करेंगे, जितनी ऑफरिंग, जितनी भेंट आप हमें भेज रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु। जब तेरे लोगों ने अपनी ऑफरिंग, अपनी भेंट को भेजा और अपने हाथ को बढ़ाया, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर बरकत, उन्नति, आशीष के जीवन में आए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज आपने सहायता करी, हर बातों के लिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ बहुतायत से होती रहे, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे, जब से कि हम मिलते रहेंगे और भी वीडियोस को आप देख सकते हैं, शशिकांत मिनिस्ट्री के नाम से आप डालकर, और फेसबुक पर भी आप शशिकांत मिनिस्ट्री के नाम से आप डालकर आप जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, खुश रहेंगे। शालोम, जय मसीह।